अस्सलाम वालेकुम। सीन्स जैसे हैं कि हम जा रहे हैं सिंध की टूर पर, एक्सपो या स्ट्रीट टूर पर अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं मनाजिर, स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ जो है जुदाई का वो कहते हैं क्या कहते हैं सेल्फी लिया जा रहा है, तस्वीर लेंगे एल्बम के लिए। और इस टूर में 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है मेरे साथ, मोहम्मद खान साहब हैं। हम 2 टीचर हैं और बाकी स्टूडेंट्स हैं। तो सिंध की कौन कौन सी हम कहाँ पर जाते हैं, किन प्लेसेस को विज़िट करते हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह आगे दिखाते रहेंगे। आज ही हमारा पहला दिन है, इस वक्त हम स्कूल में मौजूद हैं, बस कुछ ही देर में हम निकलने वाले हैं। लास्ट ग्रुप सेल्फी होने के बाद जो है हम इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो अभी जो वैन भी रवाना हो चुकी है, आइए स्टूडेंट्स आज के सफ़र का जो है दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वंगू के एरिया में जो है ट्रैफिक पूरा जाम हो चुका है। यहाँ आप देखिए मंजर, हमें गाड़ी जो है अपनी वैन खाली करनी पड़ी क्योंकि लोड की वजह से जो है गाड़ी नहीं जा पाएगी, यहाँ फंस सकता है। आप मनाजिर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये गाड़ी, बड़ी गाड़ी जो फंस चुकी है यहाँ पर, इसने पूरी ट्रैफिक को जो है जाम किया हुआ है। तो आगे आपको मनाजिर दिखाते हैं, हमने जो है अपनी पूरी वैन खाली कर दी है।
पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है, जाम है। ये मुसलसल जो पिछली दो माह में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जो है पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है, यहाँ पर ख़राब है। ये गाड़ियाँ जा रही हैं, पूरी ट्रैफिक जाम है, पब्लिक बैठी हुई है, देख रहे हैं आप। इस गाड़ी ने जो है पूरी ट्रैफिक को जाम की हुई, फंस चुका है, गाड़ी बिल्कुल गिरने से बच चुका है। ये पिकअप सब्जी लोड है, फंस चुका है भाई, इसको निकालने की कोशिश की जा रही है बेलचा वगैरह के जरिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर एक अलग सीन है यार। पूरी वाला पता नहीं किधर जा रहा है, ये फंस गया है, पूरी गाड़ी फंस गई, इसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये भाई निकल गया, वो बिल्कुल रास्ता जो के 8:30 बज चुके हैं जी। तो हम अभी पहुंच चुके हैं लड़काना, अभी लड़काना मैं और सर मोहम्मद खान आगे जाकर जो है होटल देखते हैं खाने के लिए, हमें होटल भी ढूंढना है। तो यहाँ खड़े हैं, हम आगे चलकर देखते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या हो रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अस।
फाइनली जी हमें ये लाड़खाना होटल मिला है आपको स्टे करने के लिए। हमने तीन रूम्स जो है बुक करवाए हैं 18 बंदों के लिए, तीन रूम्स। एक रूम में जो 6 बंदे एडजस्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी बाजार हमने घूमा, तीन होटल्स हमने घूमे, एक दुबई होटल, अवामी होटल, वहाँ पर जो है रूम्स फुल थे। अभी यहाँ लाड़खाना होटल में पहुँचे थे, इधर हम अपनी सामान रखने जा रहे हैं। तो जी इस वक्त हम बैठे हुए लाड़कन होटल के सामने, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, डिनर का इंतज़ार हो रहा है। भाई ऑर्डर तो दे दिया हमने खाने का, बस वो कह रहा है, भाई साहब कह रहे हैं कि 5 मिनट में जो है आपका खाना तैयार होने वाला है। और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं भाई, बस 5 मिनट बाद जो है खाने का सीन ऑन होने वाला है। मोस्ट इरिटेटिंग थिंग इज जब आप बात कर रहे होते हैं तो और आपके पीछे कोई मतलब नाखुशगवार साउंड जब आता है ना, बहुत बुरा लगता है। तो वही सीन मेरे साथ भी हुआ। खैर हम लोग बैठे हुए हैं, रात के 11 बज चुके हैं, खाने का इंतज़ार है भाई। इंशाल्लाह आज तो पहला दिन हमारा जो है मोस्टली सफ़र में जो है वेस्ट हो गया, क्योंकि हम 12 बजे वर्ड से निकले थे और 8:30 बजे के करीब हम लाड़काना पहुँचे। तो आज का पूरा दिन जो है हमारा सफ़र में गुजर गया। कल इंशाल्लाह हम यहाँ से जो है मोहनजो दड़ो, गड़ी खुदा बख्श और इंडस वैली सिविलाइजेशन म्यूज़ियम को विज़िट करने के बाद फिर इंशाल्लाह सकर के लिए मज़ीद रवाना हो। तो आगे के आपको मनाज़िर दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। तो लीजिए भाई, खाना भी आ चुका है, बस अभी बहुत जल्द खाना स्टार्ट कर रहे हैं। सात दोस्त जो है इस तरफ बैठे हुए इस टेबल पर, और बाकी की टीम हमारी जो है ये इस तरफ बैठी हुई है। वो तो माशाल्लाह भाई लग चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं पहले से। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, बिस्मिल्लाह।